नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को ईशान से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा रहेगी, इसीलिए बहुत ज़्यादा समय तक वेट करने वाली आदत नहीं होती है। इंस्टेंट रिजल्ट पाने की चेष्टा ज़्यादा देखने को मिलती है। किसी के अंडर में इस कंडीशन में कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोज से थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन जो मर्करी माउंट है वो यहाँ पर डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा कम्युनिकेशन ट्रबल होता नहीं है, लेकिन स्ट्रेंजर अथवा अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट, शर्मिलापन देखने को मिलता है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम हैंडल नहीं हो पाता इस कंडीशन में, इसीलिए जब तक एक काम पूरा ना हो जाए दूसरा काम हाथ में नहीं लेना चाहिए। और आप अपने फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, क्योंकि थर्ड फिंगर का झुकाव जब यहाँ पर फोर्थ के तरफ या फोर्थ का झुकाव थर्ड के तरफ जाते हैं, तो इस कंडीशन में फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाले देखने को मिलते हैं। रिटर्न टू बैक फैमिली से थोड़ा कम ही एक प्रकार से सपोर्ट हुआ, या फिर उम्मीदें जो रहती हैं उसके बिहाफ पे थोड़ा कम ही उनसे लाभ देखने को मिलता है, लेकिन आपको हमेशा आपके फैमिली के लिए करना रहेगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। एज अ लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट या एज अ टीचर भी ये प्रोफेशनली ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। हाई पोस्ट अथॉरिटी पर आपको यहाँ पर यह लेकर के जाने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा जो मौजूद है, ये फ्रेंडली नेचर मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। अगर यहाँ पर यह तिल है तो इस कंडीशन में फैमिली से दूर जा कर के भाग्योदय होने के योग बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ फिंगर के बीच में जो गैप मेंटेन हो रहा है, ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शा रहा है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फिंगर के जो आपके नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप कुल मिलाकर के क्लियर कट नहीं है, जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। डिसीजन लेने में थोड़ी ट्रबल आती है और किसी न किसी व्यक्ति विशेष की गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेते समय। चैलेंजेस यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो इस कंडीशन में स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक देखने को मिलता है। थोड़ा सा एरिया जुपिटर का और यहाँ पर इंटरनल मार्स का हल्का सा वीक होता जा रहा है, तो इस कंडीशन के अंतर्गत अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ें करते रहना चाहिए, ताकि कभी भी स्टेमिना, एनर्जी या हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा कोई तकलीफ ना आ सके। थंब का साइज नॉर्मल है, नॉलेज इस प्रकार का थंब अच्छा गेन करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से अच्छे ग्रेसिपिंग स्किल को इंडिकेट करता है, तो कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपके योग का चिन्ह क्लियर कट है नहीं, मल्टीपल शाखाएं हैं और उसके बीच में एक तिल भी है, तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। और जहाँ थंब का ज्वाइंट पॉइंट है वहाँ मांसल कम है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि समय, परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजन से प्लानिंग के अंदर भी इजीली आप चेंजेस अडॉप्ट कर पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। पाम का जो साइज है वो स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है, तो मेहनत में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती है और कंटिन्यू एफर्ट्स और मेहनत के बलबूते पर जीवन में ग्रोथ कर पाने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ पर बात कर जुपिटर के रिगार्डिंग, तो आपका जुपिटर जो माउंट है थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ है, तो इस कंडीशन में जितना रिस्पेक्ट, जितना लाभ फैमिली से उम्मीद रखते हैं उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये माउंट जब थोड़ा बहुत भी दब जाता है तो एक प्रकार से जो इज्जत सम्मान है उसका बहुत ज़्यादा उम्मीद आप जैसे जातकों को घर परिवार में खासकर नहीं रखना चाहिए। दूसरी अगर बात करें लाइंस के बिहाफ पे, तो यहाँ पर आपकी मल्टीपल जो लाइन अवेलेबल है ये इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये बहुत एम्बिशियस नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जीवन के प्रति बड़ी सोच और अप्रोच यहाँ पर देखने को मिलती है, और साथ ही कभी भी हिम्मत हारने वाले नहीं होते हैं। यानी बहुत कम उम्र से, यानी तकरीबन 14-15 की उम्र से आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने दम पर काम करने लगना, बहुत ज़्यादा डिज़ायर उत्पन्न होने लगना, वैसे योग यहाँ पर बनने लगे। और इस कंडीशन के अंतर्गत हमेशा कुछ ना कुछ सीखना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, कंटिन्यूटी में कोई भी काम करने की चेष्टा देखने को मिलती है। इसका तात्पर्य यह निकल के आता है कि कंटिन्यू एफर्ट्स आप जैसे जातक लगाते रहते हैं, ताकि और जो लाइफ स्टाइल है उसमें सुधार हो सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अथवा लग्जरीज जैसी चीज़ें लाइफ में बढ़ सके।
यहाँ पर देखेंगे तो इन प्रोग्रेस लाइन के अंतर्गत कुछ स्क्वायर के साइन बन रहे हैं। ये बहुत यहाँ पर पॉजिटिव साइन होते हैं, सब विंडोज के साइन के अनुरूप यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विंडो का फॉर्मेशन जब भी जुपिटर के ऊपर बनता है तो भाग्य उदय शादी के पश्चात निश्चित रूप से रहता है, जिसके अंतर्गत प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अथवा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान जैसी चीज़ें भी जीवन में बढ़ते हुए पाई जाती हैं। यहाँ पर आपकी हथेली में देखेंगे तो मून लक लाइन भी है। मून लक लाइन का तात्पर्य ही यही होता है कि जीवन साथी के आने के बाद जीवन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, कंफर्टेबल अर्निंग होने लगती है, स्मूथली लाइफ स्टाइल होने लगती है। मून जन्म स्थान से दूर जा करके होने वाले ग्रोथ को और रसने बसने के योगों को भी दर्शाता है। अब अगर इसके एज की यहाँ पर काउंट करेंगे तो यह प्रारंभ हो रहा है तकरीबन आपको 27 और 8 के एज से, तो मोस्ट प्रोबेबली इसी उम्र में भी आपके स्पाउस के आने के चांसेस तकरीबन ब्राइट हैं 28 के एज में, और अपॉर्चुनिटी भी आएगी आपको जन्म स्थान से दूर जाने की। तो इसीलिए जुपिटर इस प्रकार का साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। जितना ज़्यादा धर्म कर्म करेंगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में तरक्की आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए शनि के बारे में तो शनि की स्थिति तो बहुत बढ़िया है। आपकी हथेली में भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकली है जो सीधे शनि तक पहुंची है। ये बहुत मजबूत भाग्य रेखा है और इस भाग्य रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसका तात्पर्य यही होता है कि खुद के द्वारा बनाए गए भाग्य। लाइफ लाइन आपके खुद के एफर्ट, मेहनत और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक छोटे छोटे कार्यों को भी रिप्रेजेंट करता है। और जब यहाँ से रेखा निकल के शनि तक पहुंचे, इट मीन जो भी काम आपने प्रारंभ किया है, इसीलिए इस कंडीशन में आपको जीवन में संतुष्टि हर एक चीज़ के रिगार्डिंग मिलेगा। आपको करियर वाइज, प्रोफेशनल वाइज और अर्निंग वाइज कभी भी ये सेटिस्फेक्शन में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं देगा। इवन जो आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, उससे अच्छा ये रिजल्ट देने वाले रहेंगे। यानी मैरिज के बाद ट्रिमेंडस सक्सेस हमको देखने को मिला, आपके पार्टनर उससे भी ज़्यादा आपके प्रति लॉयल और एक प्रकार से डेडिकेटेड देखने को मिलेंगे। बात करें फैमिली लाइफ की तो फैमिली के प्रति भी जो है सुख आपका बढ़ जाएगा मैरिज के बाद। तो ये भाग्य ही रेखा हथेली में एक ऐसी है जो पूरे के पूरे रेखाओं में परिवर्तन लेकर के आती है। अब जैसे आपके सूर्य के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपके एक हल्का सा क्रॉस का साइन भी देखने को मिल रहा है, एक क्रॉस का साइन यहाँ भी है। तो इस कंडीशन में पहली बात की जो गवर्नमेंट जॉब रहता है वो लगना ही बहुत मुश्किल रहता है। दूसरी बात ये रहती है कि पिता का कारक है तो पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद, और ये डिफेम भी देता है, अपने लोगों से धोखा भी देता है। लेकिन इसके असर बहुत कम हो गए हैं और तकरीबन नेग्लिजिबल हो गया है, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा शनि तक पहुंच गई है। तो शनि है कर्म फलदाता, तो आपके कर्म कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा जो है हार्ड वर्किंग यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं। यही रीज़न है कि भाग्य रेखा कहीं भी रुकी नहीं है। तो ये भाग्य रेखा इस बात का प्रमाण है कि जो चाहेंगे जीवन में तकरीबन वो सब हासिल होगा, अर्थात एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन भी रहने वाला है, क्योंकि 99 यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसीलिए ये कब से रहेगा, ये तकरीबन 28 के एज से आपको रहने वाला रहेगा, जब ये मून लक लाइन आपकी पूरी जनरेट हो जाएगी। मून लक लाइन आपके मन को भी डिनोट करता है, इसलिए मन चाहा परिणाम आपको मिलने लगेगा। जो चाहेंगे वो, जो मन चाहेगा वो सारी चीज़ें आपके होने तकरीबन लगेगा। इस कंडीशन में बाहरी दुनिया, लोगों से कनेक्शन भी अच्छा जो है जुड़ते हुए देखने को मिलता है। दूसरा, लोगों के द्वारा सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। अब ये फेट लक लाइन आपकी तकरीबन रन कर रही है अराउंड 40 के उम्र तक, और उसके पहले ही एक ओवरलैप्ड रेखा जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो अच्छे अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जस्ट 36 और 7 के एज में ही। और उसके पहले देखा जाए तो मर्करी लाइन भी जनरेट हो रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी उम्र तकरीबन 30 के बाद से बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाने वाली है, और तकरीबन 30 के एज के बाद से ही आपका जो है लाइफ लाइन में भी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, क्योंकि इस प्रकार से प्रोग्रेस लाइन निकली है जिसके बाद में जो भी स्ट्रेसेस है वो कम हुआ है, और बाहर की तरफ रेखा झुक रही है जो सिर्फ यात्रा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए ओवरऑल लाइफ जो है अच्छे खासे सक्सेस के साथ देखने को मिल रही है। आपके हथेली में बस दिक्कत एक यही आ गया कि मनी ट्रायंगल नहीं कंप्लीट हो पाया कहीं भी। मर्करी लाइन माइंड लाइन और फेट लाइन से होता है, तो इस कंडीशन में पैसा नहीं रुकेगा। इसलिए जब भी धन आए कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, पैसा फंसा दें, तो उससे पैसा रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होते हुए देखने को मिलेगा। सूर्य की स्थिति में अब जब ऐसा क्रॉस आता है तो जल्दी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन आपका शनि का स्थिति मजबूत है इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, ये सूर्य कारक है आपके जॉब का, करियर का, तो ये बार बार आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि जॉब में कहीं ना कहीं चेंजेस कर लिया जाए और कोई दूसरा काम पे आया जाए। तो जब भी कोई चेंजेस की जब बारी आए
तो इसमें बहुत ज़्यादा इत्मीनान से सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आगे चल करके जो सूर्य है वो भी डबल लाइन के साथ है, और इसका झुकाव भी बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, तो इस कंडीशन में यशस्वी योग का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत प्रॉपर्टी खुद के दम पर बनाने के योग बनते हैं। अब अगर बात करें और अनदर लाइंस के अकॉर्डिंगली, तो यस, उसके योग यहाँ दिख रहे हैं। ये जैसे स्क्वायर का साइन यहाँ पर है, ये मंगल का क्षेत्र है, भूमि निर्माण कार्य कराता है, जुपिटर के ऊपर देखने को मिला, तो शादी के तत्पश्चात ही जमीन जायदाद बढ़ने के योग बनते हैं। तो ये योग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, तो ज्ञान के विषय में कोई कमी नहीं रहती, आपका ज्ञान दूसरों के काम आएगा, दूसरों को अच्छा गाइड सजेशन दे पाने में सक्षम रहेंगे। मरकरी के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा यहाँ दिख रही है, तो ये भी कम्युनिकेशन अच्छा देती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है। एक ट्रायंगल का साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में ओल्ड एज में भी बहुत ऊंचे पद पर काम करते हुए पाए जाते हैं। ओल्ड एज में भी कहीं ना कहीं काम की कमी नहीं रहती है, वैसे योग बना देता है। और इस कंडीशन में लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, एक मेमोरी शार्प होना, इंटेलिजेंसी अच्छी होना, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी होना, अच्छी अर्निंग रहना, वॉइस पे बहुत अच्छा कमांड होना, ये सब योग बनाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुंछ की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देता है, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना और दूसरों की खुशी में सम्मिलित होने जैसे योगों को यहाँ पर यह दर्शाता है। और डबल हार्ट लाइन चल रही है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा इमोशंस, फीलिंग्स में बार बार चेंजेस भी आपके आते रहेगा आने वाले समय में, और थोड़ी रेखाएं डिक्लाइन भी जा रही है। तो पैसा संबंधी व्यवहार किसी से ज़्यादा मत रखिएगा, हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हार्ट लाइन बिखर करके फिर थोड़ा रुक करके टूट करके ऐसे चल रही है, तो इस कंडीशन में हेल्थ की रिगार्डिंग ये सही इंडिकेशन बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए अपने इंटरनल मार्स का जो आपको बात बताई गई है उसके ऊपर काम करिएगा। यहाँ पर पहले शनि रेखा, शनि पर आपकी हार्ट लाइन रुकी, जो आपको हिडन नेचर, प्रैक्टिकल नेचर, लॉजिकल नेचर दे रहा है, लेकिन उसके जस्ट बाद ओवरलैप करते हुए रेखा जुपिटर के ऊपर जा रही है, जो थोड़ा इमोशंस, फीलिंग्स में बढ़ोतरी करा रहा है, ये फिर सिंपैथेटिक नेचर देने लग रहा है। तो अभी भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नेचर नहीं है, बैलेंसिंग नेचर है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि रेखा आपके जा रही है बीच में, आप बीच में यानी गुरु और शनि के बीच में, तो इस कंडीशन में लॉजिकल आंसरिंग करना आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। शनि जो है आपका हो गया लॉजिक, सूर्य माफ करें जुपिटर हो गया आपका ज्ञान, तो इस कंडीशन में कई मर्तबा आप जैसे जातक किसी समूह में बैठे तो बहुत गंभीर बैठे रहेंगे, और बहुत समय बाद कुछ दो या तीन पॉइंट ऐसे रख देंगे कि वार्तालाप ही खत्म हो जाएगी। तो लॉजिकल आंसरिंग करने पे इस प्रकार की रेखा ही मजबूर करती है, अथवा ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को भी यहाँ पर दर्शाता है, इसीलिए ये बैलेंसिंग नेचर भी आपको दे रहा है। माइंड लाइन की स्थिति में एक आइलैंड का फॉर्मेशन पहले रहा है, और ये उम्र रहा है आपका 16 से 20 के बीच में, और इस पीरियड में मेंटल टेंशन, प्रेशर, घरेलू तकलीफ भी गुजरी है। फिर उसका जो इंडिपेंडेंसी लाइफ में जो प्रोग्रेस लाइन आपकी शुरू हुई 22-23 में, उसके बाद से इंडिपेंडेंसी लाइफ में आई है, फिर माइंड लाइन की स्थिति सीधे जा रही थी, फिर मंगल की रेखा इसमें आकर के ऐड होती दिख रही है 32 में, तो 32 के बाद में थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर भी हो जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपका बढ़ेगा। और 32 के बाद में जो है आपको कभी भी किसी प्रकार की कमी तकलीफ नहीं होने वाली रहेगी, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा, पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा मतलब कोई तकलीफ रहने ही नहीं वाली है। मेंटल पूरी स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर 32 के एज से देखने को मिलेगा। आपकी माइंड लाइन स्ट्रेट है, इसलिए आपका नॉलेज बहुत एक्यूरेट रहेगा। डीप, हार्ड और लॉन्ग स्टडीज़ को ये डिनोट करता है, मेमोरी शार्प देता है, लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी देखने को मिलती है, मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं, जिसके कारण हर विपरीत सिचुएशन को भी इजीली हैंडल, टेकल कर पाने में सक्षम रहते हैं, इसीलिए यह अर्निंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। और मल्टीपल्स लाइन आपके यहाँ पर मरकरी से भी कनेक्टेड हो रही है, जैसे यहाँ पर यह एक रेखा गई हुई है, दूसरी रेखा का भी झुकाव यहाँ पर आ ही रहा है, तो इस कंडीशन में यह एक प्रकार से चतुर चालाकीपन में भी विस्तार लेकर के आता है, तो काम बनाने की जो सक्षमता है उसमें भी बढ़ोतरी फिर देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर भी एक बायफोर्क है, तो ये भी इंटेलिजेंसी में ग्रोथ कराता है। तो माइंड लाइन में तो कोई दिक्कत ऐसे मेजरली है नहीं। लाइफ लाइन की फॉर्मेशन पे देखें तो अभी 27 के एज में भी प्रोग्रेस है, 32 में भी प्रोग्रेस है, 30 और 32 के बीच में भी, और ये जो रेखा निकल रही है ये तकरीबन निकली है 38 और 9 में, यानी इस उम्र तक आते आते पूरे स्टेबिलिटी हर चीज़ के रिगार्डिंग हो जाने वाला है। और फिर उसके बाद फिर आपके जीवन में ट्रैवलिंग्स की भूमिका बहुत रहेगी, तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के देश विदेश की यात्राएं भी संपूर्ण होती रहेगी। ये सहयोगी रेखा को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, प्रोटेक्शन लाइन होती है ये, और इस कंडीशन में सपोर्ट स्पाउस का या बाहरी दुनिया लोगों का मिलते रहता है, लेकिन कब से मिलेगा, 32 के बाद से, उसके पहले तक कोई भी ऐसा बैक सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। इंटरनल मार्स पे काम करना है, आउटर मार्स की स्थिति सामान्य है, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र भी पोजिशन में बहुत सही डेवलप्ड है,
लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है। अधिक खर्चीलापन भी देता है, लेकिन किसी भी प्रकार की लग्जरीज रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी नहीं देता है। यहाँ की आड़ी तिरछी रेखाएं जो ये हैं, ये अननेसेसरीज वरीज देती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के कारण आता है। एक्यूरेसी मतलब कि आप जैसे ज़्यादा अगर किसी रिलेशनशिप में भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होता है और एक प्रकार से परफेक्शन बहुत ज़्यादा चाहते हैं, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं डाउटिंग करने की आदत भी हो जाती है। और बहुत ज़्यादा जब परफेक्शन नहीं दिखता है, मन मुताबिक जब व्यक्तित्व नहीं होता है सामने वाले का, तो कहीं ना कहीं फिर ये रिलेशन डिस्टर्ब करता है। इसीलिए यहाँ पर शुक्र के ऊपर आड़ी रेखा भी ही ज़्यादा है और यहाँ एक हल्का सा तिल का भी फॉर्मेशन है। तो ऐसा अगर कुछ भी है तो मुझे एक बार ज़रूर इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंतर्गत रिलेशन बहुत जल्दी बिगड़ते हैं। तो आपको शुक्र की रेमेडी फिर यहाँ पर करनी ज़रूरी रहेगी। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं, बहुत बढ़िया है, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में बेहतरीन आती हैं। वैसे शुक्र अच्छा है, आड़ी रेखा के कारण कहीं ना कहीं वो पीसफुलनेस या हैप्पीनेस को थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिल रहा है। केतु की स्थिति बहुत सामान्य है, धार्मिक यात्राओं से भी भाग्योदय के योग आपके बनते रहेंगे अगर आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो। चंद्र की स्थिति की आड़ी रेखा थोड़ा ध्यान भटकाती है, लेकिन विदेश यात्रा का बहुत अच्छा कारक है ये। और यहाँ पर अभी कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर स्क्वायर यहाँ पर बनता है, ट्रायंगल बनता है कुछ भी ऐसे, तो फिर बर्थ प्लेस से दूर आपकी प्रॉपर्टी बनने के योग पूरे हो जाएंगे। अभी यहाँ पर बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी लाइफ लाइन से ही, माइंड लाइन से ही फेट लाइन आपकी निकली हुई है और मून लक लाइन भी है। तो मदर सपोर्ट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, लगाव भी अच्छा दिख रहा है और सजेशन भी उनके द्वारा आपको अच्छा मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सूर्य की स्थिति में भी वी सिंबल की आकृति, तो इतना अच्छा धन कमाएंगे अपने जीवन में या करियर वाइज इतने ग्रोथ में रहेंगे कि पैसा दे करके दूसरों से काम कराने की आदत आपके अंदर रहेगी। और यहाँ पर देखें तो आपका जो जुपिटर है वहाँ पर भी स्क्वायर का साइन है, तो ये थोड़ा लव मैरिज की तरफ भी इंडिकेशन देता है। जब दोनों हथेली में मोस्ट प्रोबेबली जब स्क्वायर के साइन बनते हैं तो उस कंडीशन में लव मैरिज अथवा मैरिज के बाद जो लाइफ रहती है बहुत बेहतरीन रहती है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।